देखिए बेटा, आज हम चैप्टर 8 स्टार्ट करेंगे और इस चैप्टर का नाम है शेप्स। शेप्स मीन्स होता है आकार, कि कोई भी चीज़ किसी न किसी आकार की ज़रूर होती है और आकार हम बनाते हैं लाइन से, ठीक है। और ये लाइन जो होती है ये कई तरह से होती है। आइए देखते हैं वो लाइन कौन कौन सी होती है। तो सबसे पहले है, देखिए, स्ट्रेट लाइन एंड कर्व लाइन, ठीक है। अब देखिए ये गर्ल क्या कह रही है, आई हैव स्ट्रेट हेयर, स्ट्रेट हेयर है, और आई लव माई कर्ली हेयर, ठीक है। आप में से बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जो अपने आसपास देखते होंगे, किसी के बिल्कुल सीधे बाल होते हैं, पूरा स्ट्रेट, स्ट्रेट मीन्स सीधा, और कर्ली, कर्ली मतलब होता है ऐसे 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 घुमावदार, ठीक है। तो वो कर्ली हेयर होते हैं, जिसको घरों में या वैसे घुंघराले बाल कहते हैं, हिंदी में क्या कहते हैं, घुंघराले बाल, ऐसे घूमे हुए बाल, ठीक है। तो अब देखिए, देयर आर टू टाइप्स ऑफ लाइन, टू टाइप्स लाइन होते हैं। एक देखिए स्ट्रेट, बिल्कुल स्ट्रेट जैसा आपका स्केल होता है, ठीक है। और ये देखिए, ये है कर्व लाइन, ऐसे पूरा ऐसे ऊपर नीचे करके ऐसे लाइन होती है, ठीक है। हेयर आर सम ऑब्जेक्ट्स मेड ऑफ स्ट्रेट एंड कर्व लाइन्स, ठीक है। यहाँ पे कुछ चीज़ें दी गई हैं जो कर्व लाइन या स्ट्रेट लाइन से मिलके बनती हैं। आइए देखते हैं क्या है। ये देखिए, ये जैसे होता है गेट, ठीक है, आपका गेट होता है, खिड़की पे जो लोहे के खिड़कियाँ बनी होती हैं वो देखिए, इसी तरह स्ट्रेट उसमें होता है, ये स्ट्रेट लाइन से बनी हुई है, चाहे ऐसे चाहे ऐसे, ठीक है। अब ये देखिए, ये है स्ट्रेट लाइन, इसमें भी है, ये देखिए ये सारी स्ट्रेट लाइन है, जहाँ भी हैं स्ट्रेट हैं, ये पतंग बनी हुई है काइट, और लेकिन इसकी जो ये पूंछ है ये कर्व लाइन है, ओके। फिर देखिए आपका ये, देखिए ये बैलून जो है, ये बैलून क्या है, ये कर्व लाइन है, ये ऐसे घूम के ऐसे है, ठीक है। फिर ये देखिए स्ट्रेट लाइन, इसमें देखिए ये ट्रायंगल बना हुआ है, इसमें सारी लाइनें क्या हैं, स्ट्रेट हैं। तो आपने देखा कि स्ट्रेट लाइन से कौन कौन सी चीज़ें बनती हैं और कर्व लाइन से, ऐसे बहुत सारे जो है ऑब्जेक्ट्स होते हैं जो किसी न किसी लाइन से बनते हैं। टर्न योर पेज एंड कम टू द लेसन टाइप 1। हेल्प ईच एनिमल रीच इट्स होम, ओके। यहाँ पे देखिए आपको एनिमल दिए गए हैं, ठीक है, उनका घर इस साइड है, ठीक, आपको उनको उनके घर तक पहुँचाना है, ओके। अब देखिए, ट्रेस ऑन द डॉटेड लाइन, राइट यस फॉर स्ट्रेट लाइन एंड सी फॉर कर्व लाइन। अब स्ट्रेट लाइन के लिए आपको यस लिखना होगा और कर्व लाइन के लिए आपको सी राइट करना होगा। कहाँ करना होगा ये देखिए, जैसे ये देखिए ये कॉक है, मुर्गा, ये अपने घर तक जा रहा है, आपको जो डॉट डॉट लाइन दी गई है आपको इसके ऊपर पेंसिल से ओवर राइटिंग करनी है, ठीक है, ट्रेस करना है डॉट्स को। तो ये देखिए मुर्गा ऐसे जाता है ऐसे, तो ये लाइन जो है जो भी जाता है पूरा स्ट्रेट है, यहाँ से यहाँ भी अगर नीचे आ रहा है तो स्ट्रेट है, ये भी स्ट्रेट है, तो ये ऐसे करते 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 ये अपने घर पे पहुंच गया। तो ये किस लाइन से अपने घर पे पहुंचा है, स्ट्रेट, स्ट्रेट का यस। अब ये देखिए ये डॉगी है, ये देखिए ऐसे ऐसे ऐसे, ये सब लाइनें क्या हैं, कर्व लाइनें हैं, और यहाँ पे तो हम राइट करेंगे सी, ठीक है, इसी तरह आपको इसको करना है, ओके। फिर देखिए, लेट्स फाइंड आउट इंट्रोडक्शन टू शेप्स, काउंट द डिफरेंट शेप्स एंड कलर देम एज सजेस्टेड, ठीक है। पहले आप इसको क्या करना है, ये देखिए इसमें कई तरह की लाइनें हैं, ठीक है, शेप्स हैं, ये ऐसे शेप का है, तो कोई ट्रायंगल शेप का है, कोई स्क्वायर शेप का है, कोई सर्किल है, ठीक है। फिलहाल आपको क्या करना है, यहाँ पे जो शेप दिए गए हैं, ठीक है, आपको यहाँ पे उसको ढूंढना है और इन्हीं कलर से उनको कलर करना, जैसे जो ट्रायंगल है इस तरह बना हुआ है उसको आपको रेड कलर से करना है, और जो इस तरह करके रेक्टेंगल बना हुआ है उसको आपको ब्लू कलर से करना है, जहाँ जहाँ भी बना है रेक्टेंगल, ऐसे करके
यहाँ पे ये ब्लू कलर से, और जहाँ ऐसे गोला बना है, सर्किल बना है, वो आपको येलो कलर से करना है। ओके, फिर ये देखिए टोटल नंबर ऑफ द शेप्स। अब आपको यहाँ पे टोटल ये सर्किल कितना है इसमें काउंट करके यहाँ पे राइट करना है। फिर ये ट्रायंगल इसमें कितने हैं वो यहाँ पे काउंट करके राइट करना है, ठीक है। फिर ये रेक्टेंगल कितने हैं यहाँ पे काउंट करके आपको लिखने हैं। ओके, तो ये है आपका आज का वर्क, इसे आप कंप्लीट करके सेंड करिए। ओके, थैंक यू।